अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। असल में आज का जो वीडियो है ये एक ख़ास जो न्यूज़ जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कल से जो एक कल या परसों से एक लेटर जो है आ रहा है शिक्षण विभाग का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, जिसमें 14 जुलाई का एक पत्र है। उसमें उल्लेख है कि 2010 के जो सीईटी वाले जो थे उनके उनकी जो पात्र हो चुके थे और उनको उस वक्त में जो है पात्र होने के बावजूद भी जो है जब रीचेकिंग में ये पात्र हुए थे। मैं आपको पूरा जो है इन शॉर्ट में जो है वो चीजें बताऊंगा और इससे हमको क्या जो है सबक मिल सकता है ये चीजों से, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो कि ये चीजें क्योंकि इसकी जो है डीप जो है एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलेगा कि आने वाली टेट में या नई जो शिक्षक भर्ती है उसमें हमको कैसे चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये बात समझो। 2010 के मई में, 2 मई 2010 को जिस वक्त में हम लोग का डीएड चल रहा था, फाइनल ईयर हम इंटर्नशिप में थे, 2 मई 2010 को जो है सीईटी होती है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको भर्ती पूर्व निवड़ परीक्षा भी कहते हैं। भर्ती पूर्व निवड़ परीक्षा हुई थी 2010 में डीएड वालों के लिए जो है गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती के लिए, जब प्राइवेट वाले जो है संस्थाएं इसमें नहीं थी, अभी ऑनलाइन में प्राइवेट भी है। तो उस वक्त में होने के बाद में 14,500 या 15,000 जगह भरी गई थी, उस वक्त में बहुत ज्यादा जगह थी और उर्दू की नियर अबाउट 1,000 के आसपास 965 जगह थी। अब आज जो मसला तुमको दिख रहा है ये जो है कंट्रोवर्सी का और शिक्षक भर्ती का जो है जो ताल्लुक ये बहुत गहरा है, आपस में बहुत मिले जुले है। तो उस वक्त में भी सेम कंट्रोवर्सीज हुए थे। अब ये 2 मई 2010 को सीईटी होती है 200 मार्क की, जिसमें शर्त होती है कि आपको जो 50 मार्क का साइंस है और 50 मार्क का मैथ्स है ये दोनों मिला के आपको 100 में से 50 कंपलसरी लेना ही लेना होगा, 100 में से 50 कंपलसरी। और जो 200 टोटल मार्क है उसमें से आपको 50% ओपन वालों की बात कर रहा हूं मैं, 50% मार्क आपको लेना ही लेना होगा, यानी 200 में से 100 तभी आप पात्र ठहराए जाएंगे। ये कंडीशन बहुत हार्ड थी साइंस और मैथ्स की, जैसा अपने मेरे जैसा जो था जिसका मेरा पहले से ही मैथमेटिक्स वीक है, तो ऐसो के लिए और जब हम फ्रेशर थे तो बहुत ये थी उस वक्त। अब ये चीजें होने के बाद में 1 जून 2010 को रिजल्ट आ जाता है बाकायदा पूरा मेरिट लिस्ट के साथ, पात्र अपात्र के साथ, और उनके जो है कौन सी उनको जो आस्थापना मिली, आस्थापना यानी जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिका और कटक मंडल जो गवर्नमेंट के होते, वो स्थापना उनको कौन सी मिली, कितने मार्क है और कौन सा जिला मिला, सब वहां पर पहले प्रेफरेंस ले चुके थे। फॉर्म भरते वक्त ही इन्होंने प्रेफरेंस ले लिए थे कि आप कौन से जिले को प्रेफर करना चाहिए। मैं फास्ट बताने की कोशिश करूंगा। फिर ये आ गया, अब इनके अपॉइंटमेंट्स शुरू हो गए जून 2010 से। बहुत फास्ट प्रोसेस था, बहुत जबरदस्त था, ऑफलाइन प्रोसेस ही था, ऑनलाइन नहीं था ऐसा। लेकिन उसके बाद में उर्दू मीडियम का, मराठी मीडियम का कुछ मसला आया कि इसमें बहुत से सवाल गलत थे, ऐसा मुद्दा उठाया गया। 20 सवाल गलत थे उर्दू की, मैं अपने उर्दू मीडियम वाले तो ये बात करूंगा। तो वो मुद्दा गया संगठनों के पास और उर्दू संगठनों ने ये मुद्दा ले जाकर शासन के पास दिया और शिक्षण विभाग ने इसको मान्य किया कि 7 सवाल उर्दू मीडियम में गलत थे और हम उनको जो है मानते हैं और हम इसके जो है मार्क बढ़ा देंगे। अब ये बात ध्यान में रखो कि टीईटी में ये रूल नहीं है, अपने बच्चों को एक ही नहीं समझता, टीईटी में ये रूल नहीं है। टीईटी में तुम्हारे 150 में से 20 सवाल गलत और 130 जो है जो बचे, तो 130 में से आपको 60% मार्क दिए जाएंगे, 20 सवाल के मार्क नहीं दिए जाएंगे, वो परमानेंटली कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो 7 सवाल उर्दू मीडियम में और 5 या 4 या 1, 2, 3 सवाल मराठी मीडियम में, सब मीडियम में एक्सेप्ट किए उन्होंने और उन 7 सवालों को जो है ऐड कर दिए उन्होंने, उन 7 जो है सवाल जो थे गलत उनको जो है मार्क के तौर पर ऐड कर दिए। अब ये ऐड करने के बाद में जो पहले अपात्र थे इन्होंने रीचेकिंग में डाले मसला, रीचेकिंग का मसला वो 2012 में ये मसला गया कोर्ट में और रीचेकिंग का रिजल्ट दो बोल के कोर्ट ने बोला और रिजल्ट आया और बहुत से उसमें ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपात्र पहले थे यानी कि इलिजिबल नहीं थे तो वो बाद में इलिजिबल ठहर गए। अब उसमें 110 जो है ओपन की कट ऑफ थी, ओबीसी उर्दू मीडियम की 106 की कट ऑफ थी, वीजेए उर्दू मीडियम की थी 94 की कट ऑफ, और ये बच्चे उस वक्त में यानी ओपन वाला उस वक्त में 103 104 पर आकर अपात्र हुआ था होगा, तो वो साइंस और मैथ्स में अगर उसने 50 ले लिया होगा तो बाकी में जाकर जो अटका था वो, जिसके वजह से वो पात्र होने के बाद भी मेरिट में नहीं लग सका था, तो बाद में वो पात्र ठहर गया।
जो 109 पे अटके थे वो लग गए, जो 107 पे 106 पे, यानी 7 मार्क के डिफरेंस पे जो थे वो सब पात्र हो गए और कास्ट वालों का, हर कास्ट का ऐसा ही हुआ। अब ये मामला कोर्ट में जाने के बाद में डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिले, कोर्ट में ये चला मामला पूरा और जितने भी थे उस वक्त में 2014 के जुलाई में ऑर्डर्स देना शुरू हो गए 4 साल के बाद। उर्दू मीडियम की जो पहली जो लिस्ट आई थी 2013 के अगस्त में 268 बच्चों की आई थी, फिर ये 268 ने बाद के बाद में भी, और बहुत सारे बोले थे रीचेकिंग में डालो, गवर्नमेंट ने बोली थी तो डालकर वो हो गया 668। बहुत सी जगह वैकेंसी बाकी थी 2010 के सीईटी की, 300 बच्चे उस वक्त में 1 जून 2010 को पात्र हुए थे, बाकी सब अपात्र थे, फिर ये पात्र हुए लेकिन सबको ऑर्डर नहीं मिले। उसमें मसला ये था कि जो मैंने कंडीशन बोला साइंस मैथ्स और जो 100 में से 45% मार्क यानी 90 मार्क कास्ट वालों को और 100 मार्क यानी 50% मार्क 200 में से जो है लेना कंपलसरी था, ऐसा कुछ हुआ। ये कोर्ट में गए, उसमें से कईयों को ऑर्डर्स मिल गए, जिले मिल गए, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका। अब इसके बाद में और कंट्रोवर्सी जो है बढ़ते जाती है। मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम, मराठी के 3100 बच्चे, उर्दू मीडियम के नियर अबाउट 2-400 बच्चे, ये फिर रीकेस वगैरह कुछ करते हैं और बाद में तमाम चीजें होने के बाद में ये धीरे 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 चलता है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक ये ऑर्डर्स मिले धीरे धीरे, जो जिनकी केसेस पास हुई, जिनकी हेयरिंग्स हो चुकी थी वो पास हुई। अब मैं इससे क्या सबक लेना ये भी बताऊंगा हम लोग को, क्योंकि आप लोग फ्रेशर जो देख रहे मेरा ये वीडियो, जो डीएड बीएड हो चुके हैं, टेट देने वाले हैं, अगले को ठेस पिछला हुशार, पुढ़चा ठेस मागचा शहाना, ये चीज हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो तजुर्बेकार है उनकी तो बात अलग है, और जो 2010 के सीईटी में लगे हैं और जो इस वक्त रुके हुए हैं वो भी उनके भी जो सब्र का जो मादा कैसा था होगा ये बात समझ लो। अब ये कोर्ट में केस मान्य होने के बाद भी जो है उर्दू मीडियम के कुछ मसाइल सामने थे। अब ये सब होकर ये बच्चे जो थे, जो विजय में समझो 94 पर लिस्ट आई, जब वो 90 पे था होगा तो सीधे उसके सबके 7 मार्क नहीं बढ़े थे, ये बात भी जहन में रखो। किसी के 6, किसी के 5, किसी के 4, जो जो वो कंडीशन में जिसने जहां 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन अगर सही कराऊंगा तो राइट वगैरह वगैरह, तो वो पात्र हो गए, पहले अपात्र थे। अब ये पात्र होकर भी इनको ऑर्डर्स नहीं मिले, क्योंकि उस वक्त में जिस वक्त में ये केस वगैरह जीते होंगे आस्थापना हो गए, जगह खाली नहीं थी, यानी जिला परिषद नगर पालिका मनपा में। अब ये जगह खाली नहीं होने की उर्दू मीडियम की वजह से कईयों को रुकना पड़ा। आज 12 साल हो गए उस शिक्षक भर्ती को जून 2022 में। अब जाके कल एक 14 जुलाई को लेटर आया है, उसकी पुष्टि तो शायद हो चुकी है, मुझे लगता है वो है हकीकी ही है, और 592 बच्चों की मुझे वहां लिस्ट दिख रही है उर्दू मीडियम की। तो उसमें ये बच्चों के लिए जो भी होंगे, जो आपके पहचान में 2010 के सीटी वाले होंगे उनको ये बताइए, और वो जो है जो पात्र होंगे, अभी प्रोसेस सिर्फ लेटर आया है और बच्चों के नाम आए हैं, अपना नाम चेक कर लो और उसमें नाम होगा तो अब आगे शासन वो है ऑर्डर्स निकालने वाली है पुणे के थ्रू, आपको जिला परिषद नगर पालिका मनपा आपका समुपदेशन करके, समुपदेशन यानी वहां पर आपको बुलाया जाएगा। ऑर्डर देते टाइम आपको जिले की लिस्ट बताते हैं, एक्स वाई जेड जो भी जिला आपको मिला उस जिले में जब आपका नियुक्ति होती है तो वहां वो आपको तालुका बताते कहां क्या कैसी जगह खाली है। तो ये चीज अब मैं बोलने की कोशिश ये करूंगा हमको नई डेट देने वालों को, ये बात बहुत जहन में रखना जरूरी है उर्दू मीडियम वालों, 2010 के सीटी में ओपन का मराठी 146 पे कट ऑफ था, 146 आउट ऑफ 200, हमारा 110 था, फर्क देखो तुम। 146 में 145 वाले मैंने ऐसे कम से कम 20 से 30 लोग को मैंने प्रत्यक्ष मिला हूं उनसे फेस टू फेस, मेरे गांव में एक, उसमें से एक मेरे गांव में भी था, 145 पे अभी भी अटका हुआ है। तो ये बात, ओबीसी गई थी जब 144 के आसपास, उनकी अपनी ओबीसी थी 106 पे, यानी वो बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। तो ये चीजें मैं कहना ये है कि नए टेट में हमको आने वाली टेट में मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं कि आपको टारगेटली 150, तुमको कोई दुनिया की कोई चीज नहीं इंशाल्लाह रोक सकती। अगर तुमने वो टेट में 200 में से 120 125 प्लस भी ले लिए, 150 का टारगेट बनाओ, 120 ओपन वाला तो मेरे ख्याल से 130 के ऊपर जिसने ले लिया वो लग जाएगा। अब देखो जब इनके नियुक्तियां हो जाएंगी 2010 वालों के, तो फिलहाल जो वैकेंट खाली है उर्दू मीडियम पे वहां पर आकर वो बैठेंगे, 500 के 500 को तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, अब उसमें से वो छाटेंगे। जो जिले में जो वैकेंसी खाली है, ओपन, ओबीसी, विजय, मेरे ख्याल से एनटी वगैरह तो नहीं रहता, एसटी वगैरह की जो जलगांव में रहती वो जगह जहां पर भी होंगी, जबकि 10 के पात्र वाले ये चीजें वो वहां आकर बैठ जाएंगे और उनको ये ऑर्डर्स दिए जाएंगे।
अब वहां पर आकर वो बैठेंगे तो अपनी जो जगह नई डेट में आने वाली मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन इनको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और ये मिलने के बाद में उनको जो है अभी फिलहाल सिर्फ लेटर आया है और उनके नाम आए हैं। अब उनको ज्वाइनिंग्स के हिसाब से, ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से अगली सूचना आएंगी। आपके पहचान में जो भी सीईटी वाले होंगे 2010 वाले, उनको एक एक मार्क से भी रहने वाले कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, 7 मार्क बढ़ने के बाद भी 1 मार्क से रह जाने वाले, जिनके 8-8, 10-10 साल आज 12 साल जो है खाली रह गए। आपके सामने जो मैं बोल रहा हूं, मैं खुद 1 मार्क से साइंस मैथ्स की कंडीशन में 49 पे अटकने की वजह से अपात्र ठहरा था। 103 103 होने के बावजूद 110 पे जो है कट ऑफ था। वो 1 मार्क अगर मुझे रहता था साइंस मैथ्स में तो मैं पात्र तो भी शेरा मेरे सामने आ जाता था। खैर, अब इससे क्या सबक लेना, इससे सबक ये लेना कि तुम ओबीसी भी रहेंगे अगले डेट में तो तुम टारगेट महिला रहो, ओबीसी रहो, कोई भी कास्ट हो, आपको 120 130 तक जाने का, अगले वाला अपने से आगे ही जाने वाला है ये सोच के चलो, उससे आगे अपने को बढ़ना है। और एकदम बोलते जो मेहनत ऐसी करो कि कामयाबी तुम्हारा शोर मचा दे, बस वैसी है वो बात। तो अपने पास जैसा डनका बहुत बजाने की, अपने को जनरली हम तुम जो है अपना नेचर डनका बजाने की आदत रहती कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे, एमपीए एक इंसानी फितरत है, तो वो वैसी बात है। 9 साल जो है तकरीबन 1 मार्क की वजह से पूरा 1 डिकेड मेरा खाली गया उसमें, वो किस्मतों की बात है। खैर, लेकिन वो 1 मार्क की मैं अहमियत बता रहा था, 1 मार्क की नौबत आने ही मत दो, कोड मैटर्स की बात आने ही मत दो, सीधा सीधा तैयारी करो। अब इसके बाद में जो है ये जो पवित्र पोर्टल की अगली शिक्षक भर्ती जब भी आएंगी तो ये चीजें जहन में रखो कि जो शिक्षक भर्ती होने जो होंगी इसमें हमारे साथ कॉम्पिटिशन है, इसमें हमको जो है पात्र अपात्र के नहीं, डायरेक्ट मेरिट के ही लिस्ट में जाना है। और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे, मैंने जो बात बताया इससे हमको एक लेसन मिला वो हम हासिल करेंगे, इंशाल्लाह अगली डेट में अच्छे खासे मार्क लेकर हम मेरिट में जाकर सिलेक्शन होगा, ऐसी पूरी मेरी नेक ख्वाहिश है, उम्मीदें है, इंशाल्लाह दुआ है कि आप लोग भी जो है वैसा करें। अगली डेट के चांसेस, जैसा मुख्यमंत्री साहब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं फिलहाल हर मामले में, एमपीएससी के, आरोग्य की भर्ती के वगैरह, पर्सनल लोग बाकायदा उनको कॉल कर रहे हैं, कल एक रिकॉर्डिंग मैंने सुना, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी भी शिक्षक भर्ती के लिए वो पॉजिटिव हो जाए, टीईटी का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, बस ये बहुत जरूरी है। और सीटेट की तैयारी करो, बाकी तो बहुत सी चीजें मैं इंशाल्लाह वीडियोस के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो में मैंने जो बातें बताया हूं ये कंट्रोवर्सीज ना हो इसके लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा मार्क लेने की कोशिश करनी होगी, और उम्मीद है कि आप लेंगे। आखिर में मैं एक चीज खास बताना चाहूंगा जो आपके बहुत काम की है, कि आप देखो मिसाल के तौर पे आप एज के बारे में पूछते ना, तो अब ये जो जिस वक्त जब 2010 की सीईटी हुई थी तो ओपन के लिए 33 साल का क्राइटेरिया था और कास्ट के लिए 38। अब जो है 2015 के बाद से फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में 38 किए ओपन को और कास्ट को 43। तो देखिए जब 33 था, जब उस वक्त में जिन्होंने नियर अबाउट 27-28 साल की उम्र में ये फॉर्म भरा था, आज वो पात्र हो गए, आज वो अगर पात्र हो गए उनका पात्र के लिस्ट में आएंगे तो क्या वो अब तो आउट ऑफ एज हो गए ये सोच रहे होंगे तुम? ये ऐसा नहीं होता, ये बात को मेरे पॉइंट आउट करो, तुम्हारी ये जो बेसिक चीज को दूर करो। जब 2010 में जो फॉर्म भरे गए थे वो फरवरी 2010 में सीईटी के फॉर्म भरे गए थे, जनवरी से फरवरी के दरमियान, 5 फरवरी 2010 तक उसकी लास्ट डेट थी। तो 5 फरवरी 2010 को तुम्हारी क्या एज है, यही एज आखिरी तक चलेगी। आज 12 साल बाद भी उनकी वही एज काउंट होंगी, क्योंकि जब वो अंडर एज थे बाद में आउट ऑफ एज हुए गवर्नमेंट के कुछ मसाइल के इश्यूज की वजह से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेम टू सेम 2017 के पवित्र पोर्टल के भर्ती वाले आज जो है उस वक्त में जो 32-33 साल के थे होंगे, आज वो ओपन वालों ने 38 साल क्रॉस कर दिए। जब 39-40 साल में जिसने कास्ट में भरा था वो आज 45 के हो गए, लेकिन वो आउट ऑफ एज हुए क्या? नहीं हुए, वो एज के अंदर ही है। क्योंकि 17 नवंबर नियर अबाउट मेरे ख्याल से 15 नवंबर 2017 को आखिरी डेट थी टेट के फॉर्म भरने की, तो त्या दिवसी उस दिन जो है उसकी जो है क्या उम्र थी ये बहुत मायने रखती है। चाहे वो फिर कोर्ट में मसला जाओ, आप पात्र रहो, वो 12 साल के बाद क्यों नहीं डिसीजन आता, आप पात्र रहेंगे उसके हिसाब से, जबकि आपकी डेट, ये बात बहुत मेन है, ये जहन में रखो। उस वक्त एज एज पर ऐसा आता है, देखो एक कॉलम जब तुम टेट का फॉर्म भरेंगे ना तो वह कॉलम आता एज एज पर, समझो कि मिसाल के तौर पे फॉर्म आ गए अक्टूबर 2022 में और दिसंबर में होने वाली है टेट मिसाल, तो अक्टूबर की 30 अगर लास्ट डेट है तो तुम्हारी 30-10-2022 को तुम्हारी एज क्या है? मिसाल के तौर पे उसकी एज है 37 साल और 11 महीने,
वो भर जा रहा है समझो, 38 के बाहर नहीं जा रहा ओपन वाला, तो 37 साल 11 महीने ही काउंट होंगे, वो 10 साल अगर कोर्ट में मैटर रहेगा तो, अगर ये पात्र रहेगा तो, क्योंकि उसकी उस दिन की ही काउंट होती है। ये दिमाग में जो है बात में बात जहन में बिठाओ, ये बहुत बेसिक चीज है। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और जरूर बताओ मुझे कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करो सीईटी 2010 वालों के साथ या किसी भी उर्दू मीडियम वालों के साथ, आप शेयर कर सकते हैं, ये उर्दू मीडियम की लिस्ट है। अस्सलामुअलैकुम।